मुलताई में शनिवार को क्षत्रिय लोणारी कुर्वी समाज संगठन मुलताई द्वारा पवित्र नगरी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया, समाज द्वारा लगातार विगत 7 वर्षों से ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते समाज और संगठन से जुड़े लोगों में असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में समाज के विशाल डोंगरे ने बताया, प्रतिमा को लगाए जाने को लेकर लगभग सभी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, इसके पश्चात भी प्रशासन और नगर पालिका द्वारा मूर्ति स्थापना का कार्य नहीं कर पाया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से छत्रपति शिवाजी युवा संगठन और क्षेत्रीय लोणारी कुर्वी समाज संगठन ने जल्द मांग पूरी न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। IBN 24 न्यूज के लिए अनीश नायर की रिपोर्ट। आपका नाम बताइए। मैं जीएस दोटे, गुलाबराव शामराव दोटे, निवासी बैतूल, क्षत्रिय लोणारी कुर्मी समाज संगठन का जिला प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, आज जो आपने ज्ञापन दिया एसडीएम को, ये किस विषय में दिया? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की, राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने के लिए संगठन और अनेक संगठन, सामाजिक संगठन 7 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, नहीं लग पा रही। यूएस होकर के जिला कार्यकारिणी को इसमें अपना प्रतिनिधित्व देना पड़ा और उसमें प्रोसेस में है, और जबकि जिला स्तर की, हम ये मुलताई तहसील जिला स्तर की स्थापना होने जा रही है, ऐसे स्थान पर राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगना आवश्यक समझा गया, इसलिए जिला कार्यकारिणी द्वारा अपना प्रतिनिधित्व दिया है। और इसमें हमारा प्रस्ताव ये रहेगा कि सभी संगठन इसमें सहयोग करें और मुलताई जिला स्तर हो तो ऐसी राष्ट्रनायक की मूर्ति भी लगे, ऐसा हमारा प्रयास है और निरंतर सार्वजनिक रूप से हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इसमें सभी का सहयोग आवश्यक है कि सभी संगठन और जनप्रतिनिधि मुलताई के लोग जो हैं उसमें सहयोग करें और उसको राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में आयोजित करें। 19 फरवरी को, 19 फरवरी के पहले प्रतिमा लगना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास और निवेदन किया गया है, उसमें सभी आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। जी, धन्यवाद।